बारी है आज के हमारे चीफ गेस्ट को सुनने की। तो सर ने अपने 18 साल हमारे देश के लिए दिया है, यानी कि सर एक्स आर्मी पर्सन है। सर ने वहां पे भी अपना एक अलग पहचान बना चुके थे और यहाँ पर भी सर ने अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं, जो आज बहुत सारे लोगों को कामयाब बना चुके हैं सिस्टम में। और सर जब भी हम सभी के बीच आते हैं, हम सभी लोगों को कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, सिखा कर जाते हैं। और सर की एक टैग लाइन है कि जीत मेरी जिद है और मैं जीत का बादशाह हूँ। वाकई में सर जीत के बादशाह कहलाते हैं। तस्वीर की तकदीर बदलने वाले को चित्रकार कहते हैं और जो हम सभी ड्यूसोफियन की जिंदगी बदल दे उन्हें संतोष कुमार मौर्य सर कहते हैं। सो आप सभी लोगों के एक्साइटमेंट एंड जोश नून के बीच आई एम गोइंग टू इनवाइट ऑन स्क्रीन टुडे चीफ गेस्ट, वेरी रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी, लाखों दिलों की धड़कन, ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन, रेस्पेक्टेड संतोष कुमार मौर्य सर, प्लीज मोस्ट वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू। वक्त से हारा और जीता नहीं जाता, सिर्फ सीखा जाता है। हेलो एवरीवन, मैं संतोष कुमार मौर्य जालंधर सिटी पंजाब से आप सभी का इस डिजिटल पोर्टल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कहते हैं कि वक्त बहुत कीमती होता है और आप सबका भी वक्त बहुत कीमती है। और परमपिता परमेश्वर ने अगर आज आपको यहाँ पर मौका दिया है आने का, या किसी ने भी इन्वाइट किया है, तो उनका धन्यवाद जरूर करिएगा, क्योंकि वो आपके सबसे वेल विशर पर्सन हैं जिन्होंने आज आपको इस मौके को जानने और सुनने का मौका दिया। और थैंक्स मिस्टर प्रिंस मौर्य जिन्होंने इस शानदार अपॉर्चुनिटी को आप सबके सामने पेश किया, और श्रेया जी का जो इस नेशनल वेबिनार को होस्ट कर रही हैं, आपको मेरा आशीर्वाद कि आप भविष्य में खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। इस स्क्रीन पर हाजिर सभी अभिभावक, सभी माता पिता, सभी बच्चे और मेरे से उम्र में बड़े सभी को मेरा प्रणाम, और बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद कि वो भविष्य में खूब आगे बढ़ें। आप इस पोर्टल पे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप ऐसे मौकों की तलाश में हैं जहां से कामयाबी के शिखर पर पहुंचा जा सके। आपने मुझे वक्त दिया है, मैं आपको आज के वक्त की भरपूर वैल्यू दूंगा। जी हाँ, भरपूर वैल्यू दूंगा। आप जहां भी हैं वो कुछ पल के लिए एक जगह शांत जगह पर बैठ जाएं और मेरे साथ इस वीडियो के साथ आंखें से आंखें मिलाकर बात करें थोड़ा सा वक्त, क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला है जहां से जीवन एक दिशा लेगा, जहां से आप आगे बढ़ने का एक रास्ता लेंगे। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में इंजीनियर विनय कुमार मौर्य जी ने आपको बताया, 60 लाख से ज्यादा लोग इसे सब्सक्राइब कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट को, और पिछले 22 वर्षों से निरंतर और लगातार ये प्रोजेक्ट आपके बीच में लगातार काम कर रहा है। जब डिजिटल का जमाना नहीं था तो 1-to-1 लोगों से मिलकर इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता था, लेकिन आज दूरियां सिमट कर रह गई हैं, क्योंकि मिर्जापुर से मिस श्रेया जायसवाल इस प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं, जौनपुर से मिस्टर प्रिंस मौर्य जी इस प्रोजेक्ट को आपके सामने शेयर कर रहे हैं, और जालंधर सिटी पंजाब से मैं आपके सामने हूं। यानी कि अब हमारे और आपके बीच में बहुत दूरियां नहीं हैं। इरादा अगर पक्का हो तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अब बात करते हैं कि यह प्रोजेक्ट है क्या और आपके जीवन में बदलाव कैसे ला सकता है। साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर, जब सेना में मैं जॉब कर रहा था तो यह प्रोजेक्ट मेरे जीवन में आया। मैंने फैसला क्यों लिया, रीजन कि हर एक के जीवन में ऐसा वक्त जरूर आता है जब हमें अपने जीवन में बदलाव चाहिए होता है, जीवन को बदलना होता है, हमें कामयाबी के लिए कुछ ना कुछ नया करना होता है, हमें एक रास्ते की तलाश होती है, हम क्या करें, हमें कौन आगे बढ़ाएगा, कौन हमें सहयोग करेगा, ऐसा क्या करें जहां पर हम बहुत सारा पैसा नहीं खर्च सकते। आज इस पोर्टल पर जो मेरे साथ न्यू गेस्ट हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि आज हमारे पास लाखों करोड़ों रुपया नहीं है कि हम किसी प्रोजेक्ट पर लगाकर इतना बड़ा रिस्क ले सकें, लेकिन हाँ मेरे दोस्त, जो प्रोजेक्ट आज आपको बताया जा रहा है, जिन्होंने भी आपको यहाँ पर बुलाया है, आपको क्या लगता है कि वो मात्र 400-500 रुपए आपसे लेने आए हैं? जी नहीं दोस्त, उनको ऐसा लगता है, उन्होंने ऐसा फील किया है कि अगर वो आप दोनों हाथ मिला लें और साथ चल पड़े तो बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है। वो ये सोचकर आपका साथ लेने आए दोस्त। बाकी आप जो फीस देते हैं इस प्रोजेक्ट की, नाम मात्र का पैसा लगता है और ये पैसा सीधा संस्था में जाता है।
उसके बाद हम आपको सहयोग करते हैं, हम आपको इस प्रोजेक्ट की जानकारी देते हैं, हम आपको इस बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं, काम करने का तौर तरीका सिखाते हैं, और पूरी एंटायर टीम, पूरी उड़ान ग्रुप आपको हमेशा पल पल गाइड करता है, सपोर्ट करता है कैसे काम करना है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि इस धरती पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो अपने बिजनेस के बारे में आपको सिखाए। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ड्यू शॉर्ट में ऐसा होता है कि हम आपको हर बारीकी बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, और उसके बाद आपका सहयोग देते हैं, आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन बिजनेस है दोस्त, क्योंकि जिन्होंने भी आपको यहां बुलाया है, अगर वो पैसा कमाना चाहते हैं तो उन्हें आपको सिखाना होगा, आपको सहयोग करना होगा, आपको आगे बढ़ाना होगा, आपको पैसा कमवाना होगा, क्योंकि आप कमाएंगे तब वो पैसा कमाएंगे। कितना खूबसूरत सिस्टम है, कर भला तो हो भला के सिस्टम पर काम करता है। लेकिन हमारे बीच में जो कुछ लोग हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को सुना है, वो क्या कहते हैं, पहले तू कर ले तब मैं करूंगा। माय डियर फ्रेंड, आप बताइए, थोड़ा सा मजाक वाली बात करने जा रहा हूं, लेकिन रियलिटी है कि क्या पूरी जिंदगी के फैसले आप दुनिया को देख कर लेते हैं कि पहले तुम शादी कर लो तब मैं शादी करूंगा, पहले तुम शादी करो बच्चे पैदा करो तो क्या तब मैं बच्चे पैदा करूंगा। जी नहीं दोस्त, आप डिसीजन लेते हैं और उस पर वर्कआउट करते हैं। तो आज जिन्होंने भी आपको यहां बुलाया है, जिनके माध्यम से भी आप आए हो, वो आपकी तरफ एक मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं, आपका सहयोग करना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि अगर 400-500 रुपया उनसे कमाना होता तो आपसे वैसे ही मांग लेते, आपसे नहीं कहते कि इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करो। यह प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के पीछे का मकसद है कि काश आप इस प्रोजेक्ट को सीख कर और यहां पर रिस्पॉन्ड कर दो तो आप लाखों नहीं दोस्त करोड़ों कमा सकते हो। और एग्जाम्पल से भरा पड़ा है हमारा यूट्यूब चैनल, ऐसे उन करोड़पति लोगों की स्पीच आप हमारे चैनल पर आकर सुन सकते हैं जिन्होंने मात्र 15 से 20 साल में यहां से करोड़ों रुपया कमाया है। तो आप भी कमाएंगे सिस्टम को सीखकर, सिस्टम के बताए हुए रास्तों पर चलकर। तो हम करते क्या हैं, हम आपको सिस्टम की रूपरेखा बता देते हैं, बाकी चलते आप खुद हैं, मंजिल पर आप खुद पहुंचते हैं, क्योंकि गुरु पथ प्रदर्शक होते हैं। चलना तो आपको पड़ेगा, सफर आप ही तय करेंगे। और खुशी की बात यह है कि 10वीं-12वीं फेल लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करके इतिहास रचा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, जैगुआर मर्सिडीज जैसी गाड़ियां खरीदी हैं। और ये सत्य है, यहां पर आकर जो मैं कह रहा हूं ये सत्य है। तो दोस्तों यहां पर इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना और इस पर काम करने की इच्छा शक्ति और सीखने की इच्छा शक्ति आपकी होनी चाहिए। सिखाने के लिए हमारी टीम वचनबद्ध है आपके साथ, आपका सहयोग करने के लिए हमारी टीम वचनबद्ध है। कहते हैं अवसर बार बार दरवाजा नहीं खटखटाते दोस्त, अवसर आता है, जो लोग इस अवसर को पकड़ लेते हैं वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, जो लोग मौके को पहचान लेते हैं वो उसके लिए दरवाजा खोल देते हैं और वहां से एक सफर की शुरुआत कर लेते हैं, वहां से कंधे से कंधा मिला लेते हैं, साथ मिल जाता है एक दूसरे का। कहते हैं अकेले सफर तय करोगे तो बोर हो जाओगे दोस्त, और साथ हो जाए वाह जीवन सुखी हो जाता है, क्योंकि जब साथ होता है ना तो सफर का पता ही नहीं लगता कि कब कट गया है। चलिए, सिस्टम को जानने से पहले, किसी प्रोजेक्ट को जानने से पहले लोग ना अंडरस्टैंड बड़ा अच्छा करते हैं अगर उसे एक स्टोरी के माध्यम से डिस्कस किया जाए। तो मैं आज एक छोटी सी स्टोरी से डिस्कस करते हुए आपके साथ इस प्रोजेक्ट को बताऊंगा कि मैंने क्यों डिसीजन लिया, मैं क्यों आगे चलने की लिए तैयार हुआ, क्यों मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। तो एक राजा थे, जंगल में गए शिकार करने के लिए। वहां उन्हें एक बहुत खूबसूरत चिड़िया दिखाई दी जो बोल रही थी इंसान की भाषा। अपने तुरंत सभी सैनिकों को कहा इन्हें पकड़ो, वो चिड़िया को पकड़ कर लाए, उन्होंने मुट्ठी में पकड़ लिया। चिड़िया बोलती है राजा मुझे छोड़ दो। बोला ना इतनी कीमती चीज मैं कैसे छोड़ दूं, मैं तो अपने राजमहल में लेके जाऊंगा, पिंजरे में बंद कर रखूंगा, मैं नहीं छोड़ता तुम्हें। तो चिड़िया ने कहा अगर आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं आपको 4 ऐसी शिक्षाएं दूंगी जो जीवन पर्यंत आपके काम आएंगी। तो शब्दों में बहुत बड़ा जादू होता है,
शिक्षाओं में बहुत बड़ी शक्ति होती है जिसे आप पैसों से नहीं तोल सकते। राजा को समझ में आया क्योंकि शिक्षाएं आपको बहुत आगे बढ़ा सकती हैं। राजा ने कहा, ठीक है बताइए पहली शिक्षा क्या है। तो उसने राजा को बताया कि अपने हाथ में आए हुए मौके को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पहली शिक्षा उस बोलने वाली चिड़िया ने दी कि अपने हाथ में आए हुए मौके को कभी मत छोड़े। अब ड्यूस ऑफ इंडस्ट्री के बारे में आज आपको बताया गया। ये एक मौका है, आप इसे पकड़ते हैं या छोड़ते हैं ये आपके हाथ में है। उसी चिड़िया का दूसरा शिक्षा क्या थी कि सोच से जो परे हो उस बात पर कभी भी विश्वास ना करें। तो दोस्तों आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया गया ये सोच से परे का बिजनेस नहीं है। काका गा एबीसी और शिक्षा एंशंट काल से चली आ रही है, गुरुकुल पद्धति से चली आ रही है। पहले स्लेट स्लेटी ताम्रपत्र भोजपत्र पे पढ़ाया जाता था, उसके बाद ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया जाने लगा। अब इसका डिजिटलाइजेशन हो गया है, अब यह डिजिटल तरीके से पढ़ाया जा रहा है। वक्त और टेक्नोलॉजी के अनुसार शिक्षा देने के और शिक्षा लेने के तौर तरीकों में बदलाव आया है। तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें कुछ ऐसा बताया जा रहा है जो हमारी समझ से परे है। दूसरी चीज कि ये हमारी समझ में आने वाली बात है। तीसरी बात है कि जो बात बीत जाए, जो हाथ से छूट जाए, उस पर पछतावा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये मौका एक दिन मेरे सामने आया था, मैंने शाम को सुना, सुबह डिसीजन लिया, पेमेंट किया और इस सिस्टम की शुरुआत कर दी। और उसके बाद करते करते आज आपके सामने हूं। पहले 1-to-1 लोगों से मिलते थे, हमें डिजिटल का पता नहीं था, काम करना शुरू किया। कहते हैं बिजनेस ऐसे होते हैं जैसे आप धुंध में चलते हैं, जितने कदम चलेंगे उतने कदम आगे रास्ता खुल जाएगा। लेकिन अगर आप एक जगह खड़े होकर मंजिल देखना चाहेंगे तो आपको वो मंजिल दिखाई नहीं देगी। अब चिड़िया से राजा ने कहा कि वो चौथी शिक्षा क्या है। तो चिड़िया ने कहा, मेरा दम घुट रहा है, आपने मुझे बहुत जोर से पकड़ा है, कृपया थोड़ा सा ढील दें। राजा ने ढील दी और चिड़िया फुर से हाथ से उड़ गई। और उड़ते उड़ते चिड़िया ने कहा कि मेरे पेट में दो बहुत बेशकीमती हीरे हैं। और ये सुनते ही राजा पश्चाताप में डूब गया, अफसोस होने लग गया कि मैंने चिड़िया को ढीला क्यों छोड़ा। चलो, अब चिड़िया आसपास उड़ रही थी तो राजा ने कहा, चलो चौथी शिक्षा तो दे जाओ जो आप मुझे देने वाली थी। तो चिड़िया ने कहा कि चौथी शिक्षा ये है कि जब तक पहली तीन शिक्षाओं को गौर ना किया जाए, अमल में ना लाया जाए, तब तक कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है आपको। कहने का मतलब, अब इसको समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त, मैं आपको कहना क्या चाहता हूं और इस कहानी से मैंने क्या शिक्षा ली। मैंने ये शिक्षा ली कि मौका मेरे सामने है, मैं इसे क्यों छोड़ू। दूसरा, सोच से परे की चीज नहीं है शिक्षा, हर घर की जरूरत है, पैसा हर आदमी कमाना चाहता है, तो क्यों ना इस मौके को पकड़ूं। सोच में आ रहा है, सहयोग करने वाले लोग हैं, सिखाने वाले लोग हैं, मैंने पकड़ लिया मौका। और इसको शुरू करने का सही टाइम कब था, आज से 20 साल पहले था, वो मौका मेरे पास नहीं था, लेकिन आज आया है। और आज डिजिटल युग है, आज हम और आप कनेक्टेड हैं अपने मोबाइल सेट के साथ, इंटरनेट के साथ। ये आज से कुछ वर्ष पहले संभव नहीं था, लेकिन आज संभव है। तो ये मौका है, और मौका हाथ से छूट जाए तो उस पर पश्चाताप नहीं करना। जैसे कि राजा को अफसोस हो रहा था कि चिड़िया मेरे हाथ से छूट गई, इतनी कीमती चिड़िया मेरे हाथ से छूट गई। तो चिड़िया ने जाते जाते कहा कि राजा आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर दो हीरे हो सकते हैं। कहने का मतलब यह विश्वास वाली बात नहीं है। तो बोला, जो हो नहीं सकता उस पर पश्चाताप किस चीज का। अब आप समझ गए होंगे दोस्त कि मैं आपसे बात क्या करना चाहता हूं। मौके को मत छोड़िए, आपके सामने एक बेहतरीन मौका पेश किया गया है उड़ान के इस डिजिटल वेबिनार में। करना क्या है, एक मामूली सी अमाउंट देकर इस प्रोजेक्ट को सब्सक्राइब करना है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और उनको यहां इस मंच पर लेकर आना है, इस डिजिटल फॉर्मेट पर लेकर आना है। हम उनको नैतिक शिक्षा से लेकर, हम उनको जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते तक, लोगों से बातचीत करने के तौर तरीके तक, इवेंट, खुद को प्रेजेंट करने का तरीका, मंच संचालन का तरीका, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ना जाने कितनी कितनी शिक्षाएं देते हैं इतने कम में। जिंदगी भर तो कोई भी नहीं सिखाता मेरे दोस्त, और यहां पर आपको ये सीखने का मौका मिलता है। ये मौका है, मत छोड़िए अपने हाथ से। ये वो हीरा है
जो ज्ञान के रूप में छिपा हुआ है आपके पास, मत छोड़िए इसे। जिन्होंने भी आपको यहां बुलाया है तुरंत ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। इस धरती पर अगर कोई प्रत्यक्ष देव हैं आपके पास तो आपके माता पिता हैं। सुबह उठकर उनके चरण स्पर्श कीजिए, वो जो कहते हैं आंखें बंद करके उनके कहना मानिए, क्योंकि वो आपके भविष्य के निर्माण करना चाहते हैं। वो आपको डूबता हुआ नहीं देखना चाहते, वो आपको गलत रास्ते पर चलते हुए नहीं देखना चाहते, वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आपके किए गए कार्यों को समझ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके माता पिता को पता है, इसलिए आपको वो रोक रहे हैं उस रास्ते पर जाने से। तो जितने बच्चे मेरे साथ, जो यंगर्स मेरे साथ कनेक्टेड है स्पेशल, मैं उन सबसे बात कर रहा हूं कि उम्र बालिक की हो चुकी है, माता पिता का कहना माने, जो कहते हैं उसको परम पिता परमेश्वर की आवाज माने, उनका मन ना दुखाएं। आपकी किसी बात से उनका मन नहीं दुखना चाहिए। ये आज की नैतिक शिक्षा थी बच्चों के लिए। अगली चीज, समय का इस्तेमाल सही करें। मेरे दोस्त, आज अगर आप तक ये प्रोजेक्ट पहुंचा है और अगर आप यहां पहली बार सुन रहे हैं या दूसरी तीसरी बार सुन रहे हैं और अभी तक आप फैसला नहीं ले पाए, तो याद रखिएगा वक्त रात के 12 बजे 00:00 पर फिर रिसेट हो जाता है और फिर अगले दिन के लिए आपको 1444 मिनट मिल जाते हैं 24 घंटे के लिए। अब आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये आपके हाथ में है मेरे दोस्त। अगर आज आपको 10,000 रुपए दिए जाएं और ये कहा जाए कि कल रात के 12 बजे तक अगर आप इसे खर्च नहीं करोगे तो ये खत्म हो जाएंगे अपने आप, आप क्या करोगे? आप वो 10 के 10,000 रुपए खर्च कर दोगे दोस्त, आप उसमें से 1 रुपया भी नहीं बचाओगे। इसी तरह वक्त है, 1444 मिनट रुपयों की तरह आपको मिल जाते हैं। आप इसे अपनी एजुकेशन पे खर्च करो, इसे खेलकूद में खर्च करो, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करो, योगा करो, या सो जाओ और सोते रहो, या YouTube, Facebook, या फिर आलतू फालतू के मीम्स देखने में उसे खर्च करो, या अपने जीवन को गढ़ने में खर्च करो, अपने जीवन की रचना करने में खर्च करो, ये आपके हाथ में है। क्योंकि ये वक्त रात के 12 बजे 00:00 पर फिर रिसेट हो जाएगा और जन्म से लेकर मृत्यु तक एवरीडे ये वक्त आपको मिलेगा। वक्त ये नहीं कहता कि मेरे से आगे चलो, वो ये कहता है कि सिर्फ मेरे साथ चलो। वो आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन कर देगा। और ये मौका आपके पास जो आया है ड्यूसॉफ्ट का, जितने लोग मेरे साथ आज कनेक्टेड हो, फैसला लो आज, ये डिसीजन लेने का वक्त है। पैसा ना के बराबर लगता है दोस्त, यहां सहयोग जो मिलता है आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आपका सगा संबंधी भी इतना सहयोग नहीं करता जितने उड़ान के लीडर्स आपको सहयोग करते हैं, जितना सिखाने के लिए वो आपके लिए मेहनत करते हैं, वो दिन रात एक कर देते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, बशर्ते कि आप साथ चलने को तैयार तो हो। अगर ये कमिटमेंट के साथ आप आते हैं तो वक्त आपका है। आप चाहो तो सोकर गुजार दो और आप चाहो तो इसे सोना बना दो। मेरे दोस्त, वक्त हमेशा आपके साथ आपको बिगाड़ेगा भी, आपका निर्माण भी करेगा। और जीवन को यदि अगर आपने जीना है और जीवन को जीतना है तो इसे बल और बुद्धि से प्रयोग से जीत सकते हैं, क्योंकि बल आपको लड़ना सिखाता है और बुद्धि आपको जीतना सिखाती है। तो इसे बल और बुद्धि के प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ लेकर चलें। और ये जो सिस्टम है आपकी आपकी बुद्धि पर काम करता है, आपको आप ही से मिलवाता है। आपके अंदर वो हनुमान जी बैठे हैं जिससे आप इस जीवन के मझधार से बाहर निकलेंगे। आप पैसा कमाएंगे, लोगों के लिए कार्य करेंगे, अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाएंगे। तो यहां पर आपके पास मौका है दोस्त, इस शानदार मौके को मत जाने दीजिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और विचार करने वाले मौके छोड़ देते हैं और करने वाले कर गुजरते हैं। इसलिए कहते भी हैं कि जीतने का जज्बा है और हौसला है भरपूर तो मंजिल तो मिल ही जाएगी, अगर थकना ना हो मंजूर, थकना ना हो मंजूर। टेक डिसीजन राइट नाउ।
जय हिंद, जय उड़ान, जय डूसॉफ्ट। यस माय डियर फ्रेंड्स, सर ने आज बहुत ही शानदार तरीके से हम सभी लोगों को बताया कि हम सभी लोगों को क्यों ड्यूस ऑफ करने की जरूरत है। आप सभी लोगों के पास भी टाइम है, आप सभी लोग भी चाह सकते हैं तो उस टाइम को अच्छी जगह पर भी यूज कर सकते हैं और जो टाइम वेस्ट वाली चीज है वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं। तो डिसीजन आपने करना है कि आपको अपने टाइम को यूज करके सक्सेस होना है या फिर अपने टाइम को वेस्ट करके अनसक्सेस रहना है। तो आप सभी लोग डिसीजन लीजिए, हमारी उड़ान टीम आपके साथ है, हमारी उड़ान टीम बहुत ही सपोर्ट करेगी आप सभी लोगों को। तो डिसीजन लीजिए, हम सभी लोग मिलकर रॉक करेंगे। एंड अगेन थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही शानदार तरीके से हम सभी लोगों को नॉलेज दिया। एंड दो लाइनों के साथ अपनी बातों को वाइंड अप करूंगी कि बदल सकता है हर वक्त अगर आप चाहो तो, बदल सकता है हर वक्त अगर आप चाहो तो, बदल सकती है हर सोच अगर आप चाहो तो। एंड सब कुछ आपने चाह लिया तो बदलना पड़ेगा उस ऊपर वाले को भी अपना फैसला, अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहो तो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक डिसीजन राइट नाउ, वी विल विन वर्ल्ड टुगेदर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।